हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द स्टूडियो। आज हम लोग बात करने वाले आईपीएल 2023 ऑप्शंस के बारे में, जहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन के कुछ मेजर हाइलाइट्स के बारे में एंड फिर हम लोग करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स का इन डेप्थ टीम एनालिसिस। तो सबसे पहले जानते हैं ऑप्शन के कुछ मेजर हाइलाइट्स के बारे में। तो सैम करन को 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद सैम करन बन चुके हैं आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। 17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने साइन किया एंड बेन स्टोक्स एंड एमएस धोनी एक बार फिर से साथ में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल किया। सनराइज हैदराबाद, जो कि सबसे बड़ा पर्स लेके आई थी, उन्होंने भी हैरी ब्रुक्स को 13.25 करोड़ में और मयंक अग्रवाल को 8.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा जो रूट, जिन्होंने बहुत सालों बाद ऑप्शन में अपना नाम दिया था, उनको भी बेस प्राइस में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है एंड केन विलियमसन को भी बेस प्राइस में गुजरात टाइटंस ने ले लिया है। जितने भी प्लेयर्स अलग अलग टीम्स में गए हैं, क्या ये उस टीम में फिट बैठेंगे, क्या वो टीम्स इनका सही से यूज कर पाएंगी या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का इन डेप्थ टीम एनालिसिस, जहां पर हम बात करेंगे केकेआर के स्क्वाड के बारे में, कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो केकेआर ने रिटेन किए थे, कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो केकेआर ने ट्रेड किया एंड फिर कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो केकेआर ने ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा क्या हो सकता है केकेआर का प्रोबेबल प्लेइंग 11, क्या है केकेआर के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड क्या चांसेस है कि केकेआर आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो बात करते हैं केकेआर के स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उन प्लेयर्स को जिनको केकेआर ने रिटेन किया था। टीम में शामिल हैं श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और टीम साउदी। जिन प्लेयर्स को केकेआर ने ट्रेड के थ्रू अपनी टीम में शामिल किया था, उनमें शामिल लॉकी फर्ग्यूसन और रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि आए थे गुजरात टाइटन्स से, और शार्दुल ठाकुर, जो कि आए थे दिल्ली कैपिटल्स से। नाउ ट्रेड्स जो थे वो काफी अच्छे थे, लेकिन एक जो प्रॉब्लम हुआ ट्रेड की वजह से कि बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े लॉकी फर्ग्यूसन और शार्दुल ठाकुर को, जिसकी वजह से केकेआर जब ऑक्शन में गई तब उनके पास सिर्फ 7.05 करोड़ थे। ऑप्शन में जिन प्लेयर्स को केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया वो है शाकिब अल हसन, डेविड वीजा, नारायण जगदीशन, वैभव अरोड़ा, मनदीप सिंह, लिट्टॉन दास, कुलवंत खिजरोलिया और सुयश शर्मा। 7.05 करोड़ में केकेआर ने काफी अच्छा काम किया है ऑप्शन में एंड आई थिंक जो बेस्ट बाय रहे केकेआर के लिए वो कहीं ना कहीं वैभव अरोड़ा थे, क्योंकि अगर आप देखें केकेआर ने जिस तरह से ट्रेड किया था उसके बाद शिवम मावी और अमन खान को उन्होंने जाने दिया था, जिसकी वजह से केकेआर का जो इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया था। तो वैभव अरोड़ा के आने से कहीं ना कहीं उस चीज का जो कंपनसेशन है वो थोड़ा सा हुआ है एंड सिर्फ 60 लाख में मिल गए वैभव अरोड़ा, तो ये बहुत अच्छे बाय थे। और नारायण जगदीशन भी सिर्फ 90 लाख में मिल गए, इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है, अभी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, सो आई थिंक ये भी बहुत अच्छे बाय थे। डेविड वीजा है तो फिर से अच्छे फॉर्म में है, आंद्रे रसल के बैकअप हो सकते हैं, वो भी सिर्फ बेस प्राइस में 1 करोड़ में मिल गए। तो ओवरऑल ऑक्शन में काफी अच्छा काम किया केकेआर ने, लेकिन फिर भी टीम में अभी भी कुछ कमियां हैं। अब वो कमियां क्या है उनके बारे में बात करते हैं, केकेआर के वीकनेसेस क्या है उनके बारे में बात करते हैं। सो वीकनेस की बात करें तो सबसे पहले तो केकेआर का जो बॉलिंग है, मतलब जो फास्ट बॉलिंग है, उसमें लॉकी फर्ग्यूसन, टीम साउदी नो डाउट दो बहुत अच्छे फॉरेन फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर आप इंडियन फास्ट बॉलिंग पर नजर डालें तो आप उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आईपीएल में उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है। उसके अलावा हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, दोनों के पास पोटेंशियल बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है उतना ज्यादा। तो कह रहे कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है केकेआर का, स्पेशली इंडियन फास्ट बॉलिंग, वो उतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, मतलब उसमें थोड़ा डेप्थ का कमी नजर आ रहा है। एंड अगर आप इंडियन स्पिन बॉलिंग पे भी नजर डालें केकेआर के, तो वहां पर सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा और अनुकूल रॉय है, लेकिन अब उसमें से भी अगर आप देखें वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस पिछले साल उतना अच्छा नहीं था, फिटनेस का भी इशू था उनको, तो इस साल वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्या वो पूरा आईपीएल खेल पाएंगे या नहीं, ये भी किसको नहीं पता ठीक से। तो मुझे ऐसा लग रहा कि वरुण चक्रवर्ती का बैकअप जरूर लेना चाहिए था केकेआर को, सुयश शर्मा को जरूर लिया है, सुयश शर्मा लेग स्पिनर है, बट फिर भी सुयश शर्मा के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। कहीं ना कहीं केकेआर जो है वो पीयूष चावला या अमित मिश्रा के लिए जा सकते थे एंड पीयूष चावला, अमित मिश्रा दोनों ही बेस प्राइस पर गए अपने, इन दोनों के लिए ट्राई भी नहीं किया, तो ये देख के मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि आपको वरुण चक्रवर्ती का एक थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बैकअप चाहिए था टीम में।
और केकेआर के पास एंड में कुछ पैसे भी बच गए थे, स्लॉट्स भी बच गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर आने वाले सीजन में एक स्पिनर को मिस कर सकती है। हमेशा से काफी अच्छा स्पिन लाइनअप रहा है केकेआर का, लेकिन इस सीजन हम लोग वो बात नहीं कह सकते क्योंकि इस सीजन स्पिन डिपार्टमेंट एंड इंडियन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों ही उतना अच्छा नहीं लग रहा है केकेआर का। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं केकेआर के पास, एंड इसमें से ज्यादातर जो ऑलराउंडर्स हैं वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसके वजह से बैटिंग में डेप्थ मिल जाएगा, बॉलिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे श्रेयस अय्यर के पास, तो ये एक काफी अच्छा चीज है एंड इसका काफी एडवांटेज मिल सकता है केकेआर को अगर केकेआर अपने प्लेयर्स को सही से यूज कर पाए तो। एंड उसके अलावा अगर आप बात करें तो इंडियन बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, जैसे रिंकू सिंह हो गए या फिर श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, सो इंडियन बैटिंग भी काफी डिसेंट नजर आ रहा है, तो ये आई थिंक केकेआर के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। एंड अगर आप केकेआर के प्लेइंग 11 की बात करें तो आई थिंक सबसे पहले तो वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज ये दोनों ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, 4 पर नीतीश राणा, 5 पर रिंकू सिंह, फिर 6 पे आंद्रे रसल, 7 पे मोस्ट प्रोबेबली शार्दुल ठाकुर नजर आएंगे या फिर 8 पे शार्दुल ठाकुर, 7 पे सुनील नारायण, ये देखने को मिल सकता है। फिर जो 3 स्लॉट्स बचे वहां पे आ जाएंगे उमेश यादव, वैभव अरोरा और अगर वरुण चक्रवर्ती फिट हैं तो वो खेलेंगे, नहीं तो फिर अनुकूल रॉय खेलते हुए नजर आ सकते हैं। केकेआर का प्लेइंग 11 ओवरऑल टीम जो है वो उतना खराब नहीं है, लेकिन आईपीएल का यही जो है खासियत है कि आपको हर एक टीम स्ट्रॉन्ग नजर आएगा ऑन पेपर, मतलब हर एक टीम में ही कुछ मैच विनर्स होंगे, कुछ अच्छे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आ जाता है कि वो जो प्लेयर्स हैं वो उस करेंट सीजन में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे पिछले साल गुजरात टाइटन्स भी ऑन पेपर काफी एवरेज टीम नजर आ रही थी, लेकिन आगे जाके उन्होंने जो है आईपीएल टाइटल जीता, तो उसी तरह से केकेआर इस समय जो है थोड़ा सा एवरेज नजर आ रही है ऑन पेपर। डिपेंड करता है बहुत कुछ प्लेयर्स करंट फॉर्म के ऊपर। एंड अगर मुझे प्रेडिक्शन करना हो तो मैं कहूँगा प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस केकेआर के काफी कम है इस सीजन। आई थिंक मुश्किल है, मतलब आई थिंक केकेआर प्लेऑफ्स में शायद क्वालिफाई ना कर पाए। जरूर आईपीएल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर अर्ली प्रेडिक्शन करना हो तो मैं केकेआर को टॉप 4 में नहीं देखता हूँ इस समय। सो यही था मेरा प्रेडिक्शन, ओवरऑल टीम जरूर अच्छा है एंड देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करेगी केकेआर आने वाले सीजन में। आप लोग भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं, आप लोग अपना प्रोबेबल प्लेइंग 11 बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहें।